20 मई यानी बुधवार का दिन है और वहीं द्वादशी जेठ कृष्ण की प्रतिपदा तिथि भी है। आपको बता दें कि जेष्ठ नक्षत्र का योग बन रहा है जो रात 3:12 तक रहेगा और शाम 5:27 का ये योग बनने जा रहा है, यानी शाम को बहुत ही शुभ योग बनेगा। इस योग में शुरू किया गया कोई भी काम कभी विफल नहीं होता। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह होते हैं। इस दौरान अगर आप कुछ खास उपाय करेंगे तो इससे आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा और आपके सारे कार्यों को बिना रुकावट के पूर्ण होंगे। वहीं ग्रहों का निरंतर बदलाव होता रहता है जिसके कारण हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस जेठ नक्षत्र के संयोग से कुछ राशियों पर मेहरबान है बुध देवता, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में। बात करते हैं पहली राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों पर संयोग से आपके ऊपर होगी धन की वर्षा, साथ ही आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा जिसके कारण आपके सारे बिगड़ते काम बन सकते हैं। वहीं अधिक धन लाभ के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में हरे साबुत मूंग का दान करें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों पर संयोग से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, साथ ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य चमकने वाला है, लेकिन आपको आज से अपने पास तांबे से बनी कोई वस्तु रखनी होगी। ऐसा करने से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं बात करें तीसरी राशि यानी कन्या राशि। इस राशि के लोगों को इस संयोग से किस्मत के सितारे बुलंद होने वाले हैं, साथ ही आपके रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्द करोड़पति बने तो इसके लिए आपको बांस से बनी कोई वस्तु खरीद कर घर में रखनी होगी या फिर अपनी मौसी या शादीशुदा बेटी बहन को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से आपको धन लाभ होगा। वहीं बात करते हैं चौथी राशि यानी मीन राशि। इस राशि के लोगों पर संयोग से आपका भाग्य चमकने वाला है, साथ ही आपको कार्य में सफलता हासिल होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके कामों में रोड़ा बन कर खड़ी है तो इसके लिए आप 1.25 किलो हरे मोटे मूंग को जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आप रोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे, साथ ही आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। नेक्स्ट स्पीचुअल से रानी की रिपोर्ट।